गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 4। आज मैं आप लोगों को SST का चैप्टर 1 पढ़ाने जा रहा हूँ, जिसमें आप पढ़िएगा। इसमें रीडिंग मैप्स, मैप के बारे में आपको मैं आज बताऊँगा, जो कि आपके चैप्टर 1 में दिया गया है। आइए अब मैं आपको ले चलूँ चैप्टर 1 में। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, लिखा हुआ है मैप्स एंड ग्लोब्स, मैप्स एंड ग्लोब्स। ओके, तो आइए अब मैं आपको बताऊं। व्हेन वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम ए स्पेस, जब हम देखते हैं एट द अर्थ धरती के तरफ, फ्रॉम ए स्पेस अंतरिक्ष से, तो इट लुक्स लाइक अ ह्यूज बॉल, तब यह कैसा दिखाई देता है, तो ह्यूज बॉल की तरह, बड़ा सा गेंद की तरह। द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज, यानी धरती का आकार किस तरह का है, तो लाइक एन ऑरेंज मतलब नारंगी की तरह है। वी आर अनेबल टू सी द इंटायर अर्थ एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज। वी आर अनेबल टू सी द इंटायर अर्थ, मतलब हम लोग धरती के पूरे, इंटायर अर्थ दिया गया है, एट द सेम टाइम एक ही समय में नहीं देख पाते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, क्योंकि इसका जो आकार है वो काफ़ी बड़ा है। अब आइए यहाँ पर आपको देखना है, अब देखिए, अब यहाँ पे जैसा कि बताया गया है कि ये द अर्थ इज शेप्ड लाइक एन ऑरेंज, फिर इसके बाद आप देख रहे हैं इसमें आपको फिगर में भी दिया गया है, ये ग्लोब का हो गया, फिर मैप का हो गया। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है, अ ग्लोब इज अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, यानी ग्लोब, ग्लोब क्या होता है, तो एक स्मॉल मॉडल, छोटा सा नमूना होता है ऑफ द अर्थ। इट हेल्प्स अस टू सी द डिफरेंट प्लेसेज ऑन अर्थ, यह हमें मदद करती है टू सी, देखने में, द डिफरेंट प्लेसेज ऑन अर्थ, धरती पर विभिन्न जगहों को देखने में। व्हेन वी स्पिन द ग्लोब वी कैन सी ऑल द प्लेसेज ऑन अर्थ, जब हम ग्लोब को स्पिन करते हैं, घुमाते हैं, तो वी कैन सी, तब हम देख सकते हैं, ऑल द प्लेसेज ऑन अर्थ, धरती पर जो जितने प्लेसेज हैं, जगह हैं, उन सभी जगहों को। व्हेन वी ड्रॉ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, जब हम ड्रॉ करते हैं, ये खींचते हैं, एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, धरती के दिया गया है कि जब हम, व्हेन वी ड्रॉ, जब हम ड्रॉ करते हैं एनी पार्ट ऑफ द अर्थ, धरती के कोई भी भाग को, किसी भी भाग को, ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस पर, जैसे पेपर, तब वह क्या कहलाता है, मैप कहलाता है। ओके, व्हेन, अब देखिए, वी कैन ईजली कैरी मैप्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, हम लोग आसानी से मैप को जो है एक जगह से दूसरे जगह कैरी कर सकते हैं। व्हाइल ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेस, जब हम नए जगहों पर ट्रैवल करते हैं, तो दिया गया है, व्हाइल ट्रैवलिंग टू अ न्यू प्लेस चीनी इंजॉयज लुकिंग एट द मैप ऑफ द प्लेस सी इज ट्रैवलिंग टू, एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। अब देखिए, एटलस दिया गया है, मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज एन एटलस, तो आपको बताना होगा एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ मैप्स, यानी मैप के प्रकार, इसको जानते हैं। देखिए, मैप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, यानी मैप जो होते हैं वह विभिन्न, मतलब अलग अलग प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के होते हैं। इस टाइप ऑफ मैप शोज अ स्पेशल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन, हर एक मैप जो है एक विशिष्ट तरह की जो है सूचना देती है। फिजिकल मैप्स हेल्प टू नो द लोकेशन एंड शेप ऑफ वेरियस नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ। अब देखिए यहाँ पे फिजिकल मैप जो है वो मदद करती है टू नो, जानने में, लोकेशन एंड शेप ऑफ वेरियस नेचुरल फीचर्स ऑन द अर्थ, मतलब नेचुरल फीचर्स जो हैं, यानी प्राकृतिक विशेषता को धरती पर जो है ये उसकी जो है विभिन्न ये लोकेशन और शेप के बारे में बताती है। ओके, अब आइए, दीज फीचर्स इंक्लूड नेचुरल, दीज फीचर्स इंक्लूड ये नेचुरल लैंडफॉर्म्स एंड वाटर बॉडीज सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, डिजर्ट्स, रिवर्स एंड सीज, यानी कहने का अर्थ जो है, जो आप फिजिकल मैप्स की मदद से जो है आप ये नेचुरल ये फीचर्स जो होते हैं सच एज दिया गया है माउंटेन्स के बारे में, प्लेट्यू के बारे में, डिजर्ट, रिवर और सीज के बारे में आप जानकारी
आप ले सकते हैं. सम मैप्स आर सो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर सच एज रोड्स डैम्स ब्रिज एंड पार्क्स. कुछ मैप्स ऐसे हैं जो ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स मानव द्वारा जो बनाया गया है उसको जो है जैसे रोड्स डैम्स ब्रिज एंड पार्क्स उन चीज़ों को उसमें दिखाया जाता है. ओके अब आइए आगे ले चलते हैं. यहाँ पर आप देख रहे हैं एक मैप दिया गया जो फिजिकल मैप है ऑफ यूरोप यानी यूरोप का जो है इसमें फिजिकल मैप दिया गया है. यहाँ पर आप ये जो मैप है ओके अब आइए पॉलिटिकल मैप्स के बारे में जानते हैं. तो अभी मैंने आपको फिजिकल मैप के बारे में बता दिया जिसमें आप क्या देख पाएंगे वह जो है फिजिकल मैप्स जो है वो मदद करती है टू नो लोकेशन एंड शेप ऑफ वेरियस नेचुरल फीचर्स ऑन अर्थ. अब आइए पॉलिटिकल मैप के बारे में जानते हैं. पॉलिटिकल मैप शो द लोकेशन एंड बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज कैपिटल्स एंड सिटीज. पॉलिटिकल मैप्स जो है वह क्या चीज़ को दिखाता है तो लोकेशन ऑफ बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज स्टेट्स यूनियन टेरिटोरीज कैपिटल्स एंड सिटीज इन चीज़ों को पॉलिटिकल मैप्स में दिखाया जाता है. ओके अब यहाँ पर देखिए पॉलिटिकल मैप ऑफ यूरोप ये आपके बुक में दिया गया है. अब आगे मैं ले चलता हूँ. अब आइए थेमेटिक मैप्स के बारे में जानते हैं. आप यहाँ देख रहे हैं थेमेटिक मैप्स ये क्या होते हैं तो थेमेटिक मैप्स आर बेस्ड ऑन अ पार्टिकुलर थीम और सब्जेक्ट सच एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल क्रॉप्स एंड पॉपुलेशन. यानी कहने का अर्थ थेमेटिक मैप में जो है वो आपको क्या चीज़ को दिखाया जाता है तो रेनफॉल वर्षा की मात्रा को क्रॉप्स एंड पॉपुलेशन मतलब हर एक जगह जो है कि मतलब डिस्ट्रीब्यूशन जो रेनफॉल में और इसके अलावा जो है क्रॉप्स और पॉपुलेशन इन सारी चीज़ों को जो है वो थेमेटिक मैप के द्वारा देखा जा सकता है. ओके अब आइए जानते हैं हाउ टू स्टडी अ मैप. मैप का अध्ययन कैसे करते हैं अब उसके बारे में जान लेते हैं. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव लर्न्ड हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस ऑन अ मैप विथ द हेल्प ऑफ अ कंपास रोज. पिछले क्लास में जो है हमने सीखा कि कंपास रोज की सहायता से हम लोग मैप पर जो है यानी किस तरह मैप पर जो है वह डायरेक्शन को पता करना जो है वो सीखा. ओके द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप. देखिए आपके बुक में जो दिया गया है द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. आपको ये लर्न करना होगा द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप मतलब मैप बनाने की कला जो है वह क्या कहलाती है कार्टोग्राफी. ओके द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स इज कॉल्ड कार्टोग्राफी. अ पर्सन इसके आगे आते हैं अ पर्सन हु मेक्स मैप. अब वह व्यक्ति जो मैप बनाता है उसे क्या कहेंगे तो कार्टोग्राफर. ओके अ मैप इज मेड विथ द हेल्प ऑफ डायरेक्शंस स्केल्स की और लेजेंड. ओके यानी मैप जो है वो बनाया जाता है किन चीज़ों की मदद से तो डायरेक्शंस स्केल्स की और लेजेंड इन चीज़ों की सहायता से. डायरेक्शंस आर मोस्ट इम्पोर्टेंट टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस. डायरेक्शन जो है वह सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है टू फाइंड द लोकेशन लोकेशन को ढूंढने में ऑफ अ स्पेसिफिक प्लेस किसी भी खास जगह को ढूंढने में जो है डायरेक्शन जो है सबसे मोस्ट माना जाता है. अब आइए सेलर्स एक्सप्लोरर्स एंड ट्रेवलर्स यूज्ड अ मैग्नेटिक कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस. सेलर्स एक्सप्लोरर्स और ट्रेवलर्स ये जो है मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग करते हैं वो क्या चीज़ में तो डायरेक्शन को पता करने में. इट हैज़ अ निडल. इसमें क्या होता है तो एक निडल सुई लगा होता है दैट ऑलवेज पॉइंट्स टुवार्ड्स द नॉर्थ जो हमेशा पॉइंट किस डायरेक्शन में करता है नॉर्थ डायरेक्शन में. अब लेटर दे स्टार्टेड यूजिंग मैप्स टू नो डायरेक्शंस. अब ऑन अ मैप द टॉप ऑलवेज शोज द नॉर्थ. मैप पर जो है टॉप का जो पार्ट्स होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है. द बॉटम फिर उसके बाद बॉटम में जो होता है नीचे का भाग वो साउथ डायरेक्शन को ईस्ट इज ऑन द राइट और ईस्ट डायरेक्शन जो होता है वो राइट साइड में एंड वेस्ट ऑन द लेफ्ट और लेफ्ट साइड में जो है वो कौन सा डायरेक्शन वेस्ट को इंडिकेट किया जाता है. ओके अब देखिए ऑन अ मैप डायरेक्शंस आर ऑलवेज शोन ऑन द टॉप थ्रू अ कंपास रोज और अ नॉर्थ लाइन. ऑन अ मैप मैप पर जो है डायरेक्शन हमेशा दिखाया जाता है ऑन द टॉप सबसे ऊपर थ्रू अ कंपास रोज के द्वारा. ओके अब आते हैं
आगे ले चलते हैं आपको, इसमें दिया गया द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस कैन नॉट बी शोन और ड्रॉन ऑन अ मैप। एक्चुअल डिस्टेंस जो होता है बिटवीन प्लेसेस यानी दो जगहों के बीच की जो एक्चुअल दूरी होती है वह कैन नॉट बी शोन, नहीं दिखाया जा सकता है या फिर नहीं खींचा जा सकता ऑन अ मैप, मैप पर। सो अ मैप इज ऑलवेज स्मॉलर देन द एक्चुअल साइज, इसीलिए मैप हमेशा छोटा होता है उसके एक्चुअल साइज से। अ स्केल ऑफ अ मैप शोज द रिड्यूस्ड डिस्टेंस शोन ऑन द मैप कंपेयर टू द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। इट ऑल्सो शोज हाउ डिस्टेंसेज ऑन द मैप आर रिलेटेड टू डिस्टेंसेज ऑन द एक्चुअल ग्राउंड। अब देखिए द स्केल इज मैंसन्ड एट द बॉटम ऑफ द मैप, स्केल को कहाँ पे मैंसन किया जाता है, तो मैप के बॉटम में नीचे के भाग में। ओके अब आइए विथ द हेल्प ऑफ अ स्केल यानी स्केल की सहायता से वी कैन कैलकुलेट, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेज यानी दो जगहों के बीच की दूरी को। ग्रिड इज द नेटवर्क ऑफ लाइन्स ऑन अ मैप, अब ग्रिड क्या होता है तो वह एक प्रकार का नेटवर्क ऑफ लाइन्स जो कि मैप पर होता है। दीज लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, और ये जो लाइन है वो क्या कहलाते हैं, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स। यू कैन सी ग्रिड इन पिक्चर टू, यहाँ पे पिक्चर टू दिया गया, इसमें आप जो है ग्रिड को देख सकते हैं। ओके चलिए अब आगे सी द मैप गिवन इन पिक्चर वन, लेट अस टेक ए एंड बी एज टू प्लेसेस ऑन द मैप। अब देखिए मैप गिवन इन पिक्चर वन, पिक्चर वन में जो दिया गया है उसको देखिए, लेट अस टेक ए एंड बी एज टू प्लेसेज, अब इसमें ए और बी जैसा कि आपके बुक में भी बताया गया है, यहाँ पर आप एक पॉइंट देख रहे हैं जो दिया गया है यहाँ पर ए और एक पॉइंट है यहाँ पर बी। ओके तो वो आपको इसमें बताया गया है। अब फिर इसके बाद देखिए कह रहा है टू प्लेसेज ऑन द मैप, रेफर टू पिक्चर टू, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग पॉइंट्स ए एंड बी, प्लेस द रूलर अलोंग दिस लाइन एंड मेजर द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी इन सेंटीमीटर, फिर उसको जो है मेजर कीजिए इन सेंटीमीटर में। ओके अब आइए आगे मैं ले चलता हूँ, देखिए दिया गया है द कलर्स दैट वी सी ऑन मैप्स हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स। अब कलर्स जो होते हैं, रंग जो होते हैं वो जो कि मैप में, दैट वी सी ऑन मैप मतलब जो हम मैप पर देख सकते हैं, वह हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट फिजिकल फीचर्स, वह आइडेंटिफाई कराता है डिफरेंट फिजिकल फीचर्स को। सम स्टैंडर्ड कलर्स आर यूज टू शो स्पेसिफिक फीचर्स, अब देखिए यहाँ पे कुछ कलर्स दिए गए हैं, कलर्स के नेम और उसके बारे में। तो अब सबसे पहले जो है ब्राउन, ब्राउन इज यूज टू शो माउंटेन्स, सबसे पहले आप समझ लीजिए ब्राउन कलर जो होता है वो किस चीज़ को दिखाता है, तो माउंटेन्स को। ग्रीन इज यूज टू शो प्लेन्स, और ग्रीन कलर जो होता है वो प्लेन वाले इलाके को दिखाता है। उसके बाद ब्लू इज यूज टू शो वाटर बॉडीज, और ब्लू कलर जो है वो वाटर बॉडीज को दर्शाता है। फिर है लाइट ब्राउन इज यूज टू शो प्लेट्यूज, लाइट ब्राउन वह जो है प्लेट्यू को दिखाता है। ओके इसके बाद आते हैं एंड येल्लो इज यूज टू शो डेजर्ट्स, और येल्लो कलर जो होता है वह डेजर्ट को, येल्लो कलर का प्रयोग वो डेजर्ट को दिखाने के लिए किया जाता है। तो अभी फिर आगे आइए आपको मैं बताऊं, अ मैप हैज़ लिमिटेड स्पेस, मैप में लिमिट स्पेस होता है टू शो ऑल द फीचर्स, सारी ये विशेषता को दिखाने के लिए। वी यूज डिफरेंट सिम्बॉल्स टू शो दीज फीचर्स ऑन अ मैप, हम लोग विभिन्न सिम्बॉल्स, अलग अलग सिम्बॉल का जो है वो यूज करते हैं टू शो डिफरेंट फीचर्स ऑन अ मैप। अब दीज दिया गया, दीज सिम्बॉल्स स्टैंड फॉर डिफरेंट नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फीचर्स शोन ऑन अ मैप, दे आर नोन एज कन्वेंशनल सिम्बॉल। अब ये देखिए आप देख रहे हैं, टू नो वाट दीज कलर्स एंड सिम्बॉल्स स्टैंड फॉर वी यूज अ मैप की, अब यह जानने के लिए कि ये जो कलर हैं और सिम्बॉल हैं
किस लिए हैं, क्या चीज़ के लिए हैं, तो वी यूज अ मैप। इसके लिए हम लोग क्या चीज़ का प्रयोग करते हैं, तो मैप की या फिर लेजेंड। ऑन अ मैप, मैप पर द लेजेंड और मैप की इज शोन इन अ बॉक्स एट द कॉर्नर ऑफ द मैप। यह जो है मतलब लेजेंड, उसी को मैप की कहते हैं, वह दिखाया जाता है मैप पर, तो वह जो है एक बॉक्स में एट द कॉर्नर ऑफ द मैप, यानी मैप के कोने पर। विथ द हेल्प ऑफ अ मैप की वी कैन अंडरस्टैंड एनी मैप, यानी विथ द हेल्प ऑफ अ मैप की, मैप की सहायता से वी कैन अंडरस्टैंड, हम लोग समझ सकते हैं किसी भी मैप को। ओके अब आइए नीचे, आप देख रहे हैं यू हैव लर्न्ड, आपने जो अभी सीखा उसके बारे में कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। अब मैं पढ़ के बता देता हूँ। अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज पेपर। आपको ये लर्न करना होगा। मैं पूछूंगा व्हाट इज अ मैप, तो आपको बताना होगा अ मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस जो प्लेन सरफेस होता है, सच एज पेपर, कागज हो गया। अब देखिए एटलस के बारे में, एन एटलस इज अ बुक ऑफ मैप्स। फिर है फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ मैप्स। तो व्हाट आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ मैप्स, तो आपका आंसर बनेगा फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ मैप्स। मैं आपके ये एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन दे सकता हूँ, तो आपको इसका आंसर भी मिल गया। अगर मैं क्वेश्चन दे देता हूँ कि व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ मैप्स, तो बताइएगा फिजिकल, पॉलिटिकल एंड थेमेटिक आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ मैप्स। अब देखिए द फीचर्स दैट हेल्प अस टू स्टडी अ मैप आर डायरेक्शन, स्केल, कलर, सिंबल, सिंबल्स एंड मैप की और लेजेंड। द फीचर्स दैट हेल्प अस टू स्टडी अ मैप, मतलब वह फीचर जो हमें मदद करती है टू स्टडी अ मैप, वो क्या सब है, तो डायरेक्शन, स्केल, कलर, सिंबल्स एंड मैप की और लेजेंड। अब ये नीचे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, उसको जो है आपको लर्न करना होगा। अब जैसे मैप, मैप का अ ड्रॉइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस दैट शोज द रिवर्स, माउंटेन्स, स्ट्रीट्स एक्सेट्रा ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। फिर है ग्लोब, अ स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ, एटलस अ बुक ऑफ मैप्स, कंपास रोज अ फिगर यूज टू शो डायरेक्शन। ओके मतलब ये जो इसमें चार वर्ड मीनिंग दिए हैं, आपको ये वर्ड मीनिंग लर्न करना है, यह एग्जाम में भी आ सकता है। कंपास रोज, देखिए कंपास रोज का मैंने क्या बताया, तो अ फिगर यूज टू शो डायरेक्शंस, मतलब जिसका मतलब ये प्रयोग किया जाता है क्या चीज़ के लिए, तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए। वह क्या होता है मैप में जो डायरेक्शन जो दिखाया जाता है, वह क्या चीज़ से, कंपास रोज से जो है देखा जा सकता है। ओके तो कंपास रोज, अगर आप डायरेक्शन का पता करना चाहते हैं, दिशा का पता करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको क्या चीज़ यूज करना होगा, कंपास रोज का। ओके ग्लोब के बारे में आप पहले से ही जानते हैं, ग्लोब क्या होता है, तो स्मॉल मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, धरती का एक छोटा सा नमूना है। एटलस क्या होता है, तो अ बुक ऑफ मैप्स। इसके अलावा मैप के बारे में तो अभी आपको मैंने बताया, ड्राइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस दैट शोज द रिवर्स, माउंटेन्स, स्ट्रीट्स एक्सेट्रा ऑफ अ पार्टिकुलर एरिया। ओके अब आइए आगे ले चलें आपको। अब यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिए गए हैं, जिसमें फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर ए में फिल इन द ब्लैंक्स, तो वो मैंने आपको इस लाइव क्लास में भी कंप्लीट करवाया है, वैसे मैं अभी पढ़ के बता रहा हूँ, आप लोग इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। देखिए फिल इन द ब्लैंक्स सबसे फर्स्ट में है, इज अ ड्रॉइंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस, तो आपको लिखना होगा इसमें मैप, मैप इज अ ड्रॉइंग ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सर्फेस। सेकेंड में क्या है, तो पॉलिटिकल मैप्स, पॉलिटिकल मैप्स टेल अस अबाउट द बाउंड्रीज ऑफ कंट्रीज। थर्ड में आ जाएगा अ कंपास रोज शोज डायरेक्शंस ऑन अ मैप। फोर्थ में आ जाएगा अ मैप की और लेजेंड एक्सप्लेन्स व्हाट कलर्स एंड सिंबल्स शो ऑन अ मैप। फिफ्थ में आ जाएगा द स्केल शोज द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड इन रिलेशन टू द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप।
अब आइए क्वेश्चन नंबर बी में है, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सेंटेंस सही है उसमें आपको टी लिखना होगा मीन्स ट्रू, और जो सेंटेंस गलत लगे उसमें एफ लिखना है मीन्स फॉल्स। ओके देखिए, तो दिया गया अलेजेंड शोज व्हाट द सिंबल्स रिप्रेजेंट ऑन द मैप। ये अभी आपको मैंने पीछे बताया था, यह हो जाएगा ट्रू। माउंटेन्स आर मार्क विथ ग्रीन ऑन अ मैप, यह फॉल्स है। फिर थर्ड में, अ ग्लोब इज अ फ्लैट ड्रॉइंग ऑफ द अर्थ, यह भी फॉल्स है। इसके बाद द नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द ईस्ट, यह भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि नीडल ऑफ अ कंपास ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड द नॉर्थ। ये मैंने आपको इससे पहले टॉपिक में समझाया था। अब देखिए फिफ्थ में है, अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, यह तो सही है मीन्स ट्रू लिखना है टी। अ बुक ऑफ मैप्स इज कॉल्ड एन एटलस, टी। ओके क्वेश्चन नंबर सी में आते हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज बुक। यह आपको मैंने इससे पहले जो है सेंड कर चुका है इसका आंसर। तो चार क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चन को जो है आपको फेयर में कंप्लीट करना था और फिर इसे लर्न करना था। तो अभी मैंने आपको यह चैप्टर जो है वह SST का चैप्टर 1 वो कंप्लीट करवाया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को देखकर आप लोग इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ओके थैंक यू।